इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीढ़ी, दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें, ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। छोड़ दीजिए भैया, हम लोग चोर नहीं है भैया, मुझे माफ कर दीजिए भैया। भाग शिवा, दांत काटता है, पकड़ो उसे। माचिस लावा। कुछ भी हो जाए, मंदिर में नहा किसी की जान नहीं जानी चाहिए। सेबा सेबा हो जाए।
राम राम अन्ना, राम राम पंडे जी, जय श्री। क्या बात, जो जान बचाया उसी पे बंदूक तान रहे हो? मर गया साला। चलो अन्ना भाई के पास। चला कौन था वो? किसने हमला करवाया हम पर? और किसकी हिम्मत है अन्ना भाई आपसे दुश्मनी लेने की? वही होंगे माइकल ग्रुप के लोग। और ये लोग कौन है जिन्होंने हमारी जान बचाई? खैर जो भी हो, ले चलो इन्हें भी साथ। चल चलो बैठो। ए चलो चल बैठ। क्या करते हो तुम लोग और हमारा जान क्यों बचाया? इसमें जरूर माइकल गैंग की साजिश होगी। देखो अन्ना सेठ, मानते हैं कि गरीब हम हैं, मगर ऐसा इल्जाम मत लगाओ। अगर हमने तुम्हारी जान बचा के कोई गलत काम किया है तो हमरा के माफ करो। कहत रानी ना मरेदा। ऐसा बात नहीं है भाई। देखो अन्ना सेठ, बचपन से हमारी जिंदगी या तो भीख मांगते या गरीबी में कटी है। हाँ छोटी मोटी चोरियां कर लेते हैं। आओ भी अपन हालात के वजह से। ठीक है, आज से तुम दोनों मेरे लिए काम करोगी। ले जाओ इसे सोफिया के पास और अच्छी तरह ट्रेंड करो। एक मिनट अन्ना से, हमार गांव में एक कहावत है कि जब तक ना जात है पेट में खूदी और तब तक ना निकला था बुद्धि। अरे कुछ खिलाओ पिलाओ से, बड़ा जोर से भूख लग रहा है। ले जाओ इन्हें चतरा के सेलिब्रेशन होटल में, खिलाओ पिलाओ नहलाओ और इनका हुलिया भी चेंज करो। चल रे चिकने। मजा आ गया। इतना खाना अपनी लाइफ में पहली बार खाए है। बढ़िया था। चलो यार
चल रे आ रे आ सोफिया जी, इन्हीं लोग ने अन्ना की जान बचाई है। अन्ना ने आपको इन दोनों को ट्रेनिंग देने के लिए बोला है। अच्छा, तो इन भिखारियों ने जान बचाई अन्ना की। ठीक है, ट्रेनिंग देते हैं। हमारा खौफ भी खत्म होने लगा भाई। पहले तो अन्ना ही भारी पड़ता था, जब से उसने दो लौंडा पाल रखा है तब से सारा धंधा हमारा चौपट हो गया भाई। अब क्या होगा? चुप! अन्ना, अन्ना, अन्ना! मैं तंग आ गया हूं इस आदमी का नाम सुन सुन कर। भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हजार साले इस कचड़े को।
की। इस अन्ना को खत्म करके आ, और तू कैसे मारेगा ये तेरी जिम्मेदारी है। जा। ठीक है भाई। भाई दुबई से फोन आया है। हाँ जफर भाई, वालेकुम सलाम। ठीक है जफर भाई, मैं कल ही अपने आदमियों को भेजकर उन्हें रिसीव करवा लेता हूं। सलाम वालेकुम। ठीक है। कहाँ है हमारे दोनों सेठ? राम राम अन्ना सेठ। आओ आओ आओ, अभी तुम्हें याद कर रहा था। कहो कैसे हो? हम ठीक हैं। आज रात तुम दोनों चौकन्ने रहना, आज रात हमारी डील होने वाली है। माल भी नहीं देना है और पैसे भी ले लेने हैं, समझे? आप टेंशन वाना ही लो, हम माल भी ले लेंगे और पैसा भी नहीं देंगे। गुड, वेरी गुड। ठीक है अन्ना सेठ, आई लाइक इट। चलते हैं। सोफिया, पता चला है माइकल वो आ रहा है, चौकन्ने रहना तुम लोग। सिगरेट पीना कैंसर का कारण
और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। पहले अन्ना और अब सत्या सिवा। कहते हैं लोग कि माइकल गुरु फिजड़ा हो गया। सालो पहन लो घुंघरू और नाचो ता ता थाया थाया थाया। ऐसा क्यों सोचते हो भाई? एकदम चुप। अगर अन्ना और सत्या सिवा को खत्म करना है तो अपने किसी गैंग के छोकरे को उस गैंग में शामिल करवाना होगा। राजू जी भाई, तू ऐसा कर, अन्ना गैंग में शामिल हो जा और हाँ वहाँ के एक एक इन्फॉर्मेशन मुझे दे। और हाँ, तुम पर किसी को शक ना हो कि तू माइकल का आदमी है। जा तू। ये दूध का ग्लास मेरे लिए? वाह क्या बात है। चल हटवे खोपड़ी में सटका। हे भगवान, वैसे तो तुमने कुछ दिया नहीं है, एक लड़की आई है जिंदगी में, उसे भी छीनना चाहते हो। हम बच्चा नहीं है कि दूध पिएंगे। चल हट। भैया आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? भेजो उसे। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ अन्ना भाई, इससे हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी और आपके साथ रहने का मौका भी मिल जाएगा। चलो ठीक है, अगर तुमने अपनी गरीबी बताई है तो मैं ऐसे गरीबों को जरूर अपने ग्रुप में शामिल करना चाहूँगा। रेवल एक काम करो, ले जाओ इन्हें अपने ग्रुप में और शामिल करो और अच्छी तरह ट्रेन करो। जी अन्ना भाई। भैया हमको सोफिया के साथ घूमने जाना है। अच्छा अच्छा, सोफिया के साथ तुझे घूमने जाना है, ठीक है जाओ और अच्छे से जाना। ठीक है जाओ। चिकने चिकने क्या? क्या बोले? क्या चाहिए? आय हाय, क्या चाहिए रे चिकने? क्या
मार दिया। मैं मानता हूं कि वो किन्नर थी, लेकिन मेरी जान थी जान। मैं उसे अपने खून से सींचा था, मैं अपने उसे, और उसका भी हत्या उन लोगों ने करवाया। शिवा, सत्या, जाओ, जाकर ढूंढ ढूंढ कर माइकल के एक एक आदमी को जिंदा जला दो, दफना दो, गाड़ दो, तुम्हें जो भी आता है, लेकिन सफाया का जाओ। एक एक आदमी का, माइकल का एक भी आदमी बचना नहीं चाहिए। अरे तुमने इसे क्यों मार दिया? इस ससुर के नाती उही गैंग के रहे। माइकल भाई, हम पे किसी को शक नहीं हुआ। आज ठीक 3 बजे सोफिया और उसका भाई किनर हेरुआ डैम घूमने के लिए जा रहे हैं। अच्छा बेटा, वाह शिवा, तुम इंटेलिजेंट भी हो। मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। लगता कोई है? कोई नहीं है भाई। ससुर के नाते यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है। लागत है हम लोग गलत जगह पे आ गए हैं। गन फेंक दो शिवा, वरना इसका खोपड़ी उड़ा देंगे। नीचे रख, छोड़ दो ग्रा। गन नीचे रख। सुफिया मैडम, तभी तो सोचू सत्या और शिवा तुम पे फिदा क्यों है। माधर चाल, और तू करण अर्जुन साला हरामी, माइकल भाई के इलाका में आकर और माइकल भाई पर चाहे माधर जात। गंदी चरा गान नीचे रख, गान नीचे रख, बोला ना गान नीचे रख। देख शिवा, तू अच्छा नहीं कर रहा है। मेरे साम्राज्य से तुम लोग एक आदमी भी बचकर नहीं निकल सकते हो। अरे चुप, ससुर के नाती कहत रहे ना,
ओकरा के हाथ मत लगा। हाथ लगे बे। तुझे अमीर आदमी बना दूंगा। छोड़ दे भाई, छोड़ दे भाई। मुझे छोड़ दे शिवा, मैं तुझे अमीर आदमी बना दूंगा। मुझे छोड़ दिया। सोफिया, एक बात ध्यान देने वाली है कि जब से मैंने शिवा और सत्या को अपने पास रखा है, हमारा साम्राज्य आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। इनमें वो ताकत है, वो जज्बा है, वो जुनून है कि किसी भी काम को पलक झपकते कर जाते हैं और काफी सातिर भी हैं। सोचने वाली बात है, ये दो लड़के हमारे साम्राज्य को कहां से कहां उठाकर चले गए। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है सोफिया, जिन दो लड़कों की बदौलत हमारा साम्राज्य आसमान की बुलंदियों को छू रहा है, कहीं अगर उनका मन डोल गया तो वो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे ही गले में ये कहीं मछली के कांटे की तरह ना अटक जाए। इसलिए एक काम करो सोफिया, कल की मीटिंग रखो उनके साथ और मौका पाते ही उन्हें हमारे रास्ते से हटा दो। समझ रही हो ना तुम? जी अन्ना, मैं समझ गई। अन्ना भाई, आप सोफिया पे इतना भरोसा मत करो, क्योंकि आजकल सेवा के साथ बहुत ज्यादा ही चिपक रही है। चुप चुप, सोफिया पे मुझे खुद से भी ज्यादा भरोसा। राम राम अन्ना सेठ। राम राम शिवा सत्या, कैसे हो? ठीक हैं। मीटिंगवा खातिर बुलाए थे आप? हाँ शिवा, मीटिंग के लिए आज हम बुलाए थे। तुम दोनों को हम मीटिंग के लिए बुलाए थे और आज ये मीटिंग बहुत खास होने वाली है शिवा। इस बात को समझना है और इस मीटिंग के बारे में सोफिया तुम इन्हें समझा दो। सत्या, अभी तो तुम लोग को समझ नहीं आ रहा होगा ना कि ये हो क्या रहा है। बहुत सारी बातें अभी दिमाग में आ रही होंगी, क्या सही बात है ना? सेब बात। हस
हंसना ना। तू का सोचत रहे ये तो हार प्लानिंग है। अरे जिस दिन तू मीटिंग कर ले रहले ना वही दिन सोफिया मैडम हमनी के पास आके सब बता देले रहले कि का प्लानिंग का तोहार। प्लान तू करत रहले और ओकर चाल हमनी चल रहे थे बुझाइल। तेरा प्लान तुम्ही पे भारी पड़ गया ना सोफिया। तुम ये क्या कर रही हो सोफिया। तुम इन लोगों के चलते हमारे पर बंधु सोफिया समझने की कोशिश करो सोफिया। मैंने तुझ पे खुद से भी ज्यादा भरोसा किया है सोफिया, और तुम ये कर रही हो सोफिया। तेरा क्या भरोसा हुँ? तू इन दोनों को मरवा के मुझे भी मार देता, पहले तू मर। तुमने अगर होशियारी अन्ना उकरा के छोड़ दा। अन्ना उकरा के छोड़ दा। अन्ना छोड़ दे अन्ना। अन्ना उकरा के छोड़ दा वरना पिछवाड़ा में गोली मारा। पीछे पीछे से बात कहत रहे ना भैया हमनी से नाला पंगा अब बुझाइल। तोहरा के तो ऐसन मौत मारब। ए छोड़ दे मेरे पास बहुत पैसा है, है बहुत पैसा है, बड़ा साम्राज्य है। ए शिवा ए सत्या मैं सब सब सब, सब तेरे को दे दूंगा। ले 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 मेरे को छोड़ दे शिवा शिवा हट। चुप चुप हमको अमीर बनाएगा ससुर के नाती। साला चुप ससुर के नाती। तुम्हें क्या लगता है ये प्लान तुम्हारा था अन्ना का था? नहीं, ये मेरा प्लान था। मेरा अन्ना को मंदिर पे मारना चाहिए, लेकिन तुम दोनों की बेवकूफी की वजह से अन्ना एक बार फिर बच गया। मैं अन्ना को कब से मारना चाहती थी। कितने बार प्लानिंग किए, कितने बार हमले करवाए, तुम्हारी वजह से अन्ना बचता रहा। तुम दोनों को मारने के लिए दूध के ग्लास में जहर मिलाई, लेकिन तुम दोनों की किस्मत अच्छी थी, तुम दोनों फिर एक बार बच गए। लेकिन अब नहीं, अब नहीं बचोगे सत्या शिवा। शिवा
सत्या, इस शहर पे सिर्फ मेरा ही राज होगा। हाथ मत लगावा ओकरा के। कहे तोरे करंट लग रहा है रे, चुप। और तू करण अर्जुन बनेगा का? सूफिया मैडम, तभी तो सोचो कि सिवा। अरे चुप कुत्ता, क्यों फिदा है? अरे और तू करण अर्जुन ले साला तू भी। देखिए मत लगावा ओकरा के। कहे तोरे करंट लग रहा है रे, चुप साला। और तू करण अर्जुन बनेगा का? सूफिया मैडम, तभी तो सोचो कि सिवा। अरे चुप कुत्ता, क्यों फिदा है? और तू करण अर्जुन ले साला तू भी। देखिए